हेलो फ्रेंड्स, कटहल की सब्जी तो आप लोगों ने बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। एक बार आप लोग कुकर में कटहल का सब्जी बनाइए, सचमुच बहुत टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार आप लोग इस तरीके से बना लीजिएगा तो आप लोग कढ़ाई में कटहल का सब्जी बनाना भूल जाइएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो कटहल को छील कर काट लिया है, साथ आलू को छील कर बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और साथ मीडियम साइज के प्याज को भी छील कर काट लिया है। अब सभी को कटहल, आलू, प्याज सभी को मिक्स करके एक बर्तन में डाल देंगे। ये दो टुकड़ा अदरक है, इसको भी इसमें घिस करके डाल देंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। प्याज की कोई भी सब्जी बनाइए, अदरक को इस तरह से ग्रेट करके डालिएगा तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए सभी। अब इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। अब इसमें लगभग 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसे सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट छोड़ देंगे। आप गैस ऑन करेंगे और इसमें कुकर चढ़ाएंगे और कुकर में तेल डालेंगे। सरसों का तेल मैं यूज करती हूँ, इसलिए सरसों के तेल ही डाल रही हूँ। 4 बड़े चम्मच इसमें तेल डाला है मैंने। कटहल के सब्जी में थोड़े से ज़्यादा तेल लगते हैं। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच जीरा और थोड़े से मेथी दाना इसमें डालेंगे। दोनों मिक्स करके 1 चम्मच होना चाहिए। अब इसमें 2 तेज पत्ता और थोड़े से हींग, हींग जरूर डालिएगा क्योंकि कटहल गैस करता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा। अब इसमें मिक्स किया हुआ सभी को इसमें कुकर में डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाकर गैस का फ्लेम अभी हाई रखेंगे। ये देखिए, और ये बचे हुए जो मसाले थे उसमें थोड़े से पानी डालकर ये भी उसमें डाल देंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके लो फ्लेम करके इसे ढक देंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर इसे चला लेंगे और फिर से इसे ढक देंगे। ढक कर पकाने से जल्दी पक भी जाता है और तेल भी नीचे से छोड़ देता है। फिर से इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे चलाएंगे। ये देखिए तेल नीचे से छोड़ने लगा है। अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छी आती है। देखिए, और इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गरम मसाला डालेंगे 2 चम्मच, ये घर का पीसा हुआ मसाला है। घर के मसाले डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये देखिए आलू, आलू पक चुका है और सभी अच्छी तरह से
मिक्स भी हो चुका है, पक भी गया है और तेल भी छोड़ दिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और ढक्कन अभी कुकर का नहीं लगाएंगे, जब इसमें उबाल आएगा उसके बाद ढक्कन लगाएंगे। ये देखिए इस सब्जी में उबाल आ गया है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और 1 सीटी जब लग जाएगा तो गैस बंद कर देंगे और इसे खोलेंगे। ये देखिए जो प्रेशर निकल जाएगा तब खोलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है, सब्जी बनकर तैयार हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया है कटहल आलू का सब्जी। अभी मार्केट में बहुत अच्छे कटहल मिलते हैं, एक बार आप लोग कटहल लाइए और ज़रूर इस तरह से बनाइए। ये देखिए देखकर मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही। अब ये देखिए मैं इसे निकाल कर दिखा रही हूँ। और यदि मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसे गर्मा गर्म आप लोग सर्व कीजिए। और यकीन मानिए इस तरह का सब्जी यदि आप बना लिए कटहल का, तो आप 2 के जगह 4 रोटी खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसे पूरी के साथ खाने में और भी टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।